कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी बैठकों को स्थगित कर दिया है और इसी के चलते आगामी दिनों में आरएसएस के सभी कार्यक्रमों को नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है और इन कार्यक्रमों को छोटे स्तर पर ही करने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात भी कही है। कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बैठकों को स्थगित कर दिया है और इसी के चलते आगामी दिनों में आरएसएस के सभी कार्यक्रमों को नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है और इन कार्यक्रमों को छोटे स्तर पर करने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कही है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कार्यवाह चंद्र प्रकाश ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते ही गत 15 मार्च को अखिल भारतीय संघ की बेंगलोर में बैठक की गई, जिस बैठक में अरुणाचल, कन्याकुमारी आदि कई देशों से लगभग 1400 के करीब कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये बैठक वर्ष में एक बार की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार ये बैठक रद्द कर दी गई। चंद्र प्रकाश ने बताया कि 3 बैठकें अखिल भारतीय संघ ने की है, जिसमें 3 प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसमें पहला प्रस्ताव नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का नैतिक व संवैधानिक दायित्व, दूसरा प्रस्ताव संविधान को जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से लागू करना और तीसरा प्रस्ताव राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण करना। इन तीनों प्रस्तावों का अखिल भारतीय संघ स्वागत करता है। बता दें कि पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में प्रांतिक आधार पर उत्पीड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया की जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाने हेतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित करने पर भारतीय संसद तथा केंद्र सरकार का हार्दिक स्वागत करता है और भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से लागू करना और श्री राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण करना, इन तीनों प्रस्तावों का अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल स्वागत करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि अखिल भारतीय संघ की बैठक जो हर वर्ष की जाती है, वो इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी अखिल भारतीय संघ बैठकें करता आया है और इन बैठकों में 3 प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई और जो 3 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो कि वो स्वागत योग्य है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए जो एडवाइजरी जारी की है, उसके लिए सरकार का पूरा सहयोग दिया जाएगा। केवल कार्यकारी मंडल की ही बैठक हुई, आगे सरकारवाजी ने आह्वान किया है संपूर्ण देश की जनता के साथ और सभी स्वयंसेवकों से भी कि सरकार जिस प्रकार की भी एडवाइजरी जो है कोरोना को लेकर के जारी करती है, उसमें संपूर्ण सहयोग देना। उसको देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल ने भी अपने यहाँ के जो तय कार्यक्रम थे वर्ष प्रतिपदा के ऊपर, क्योंकि अभी 25 मार्च को अपना नव संवत्सर प्रारंभ होने वाला है, उसके ऊपर पथ संचलन के कार्यक्रम, कहीं ना कहीं डॉक्टर जी का उस दिन जो अपने संघ संस्थापक है डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका उस दिन जन्मदिवस भी होता है, तो उस दिन कार्यक्रम होते हैं, आद्य सरसंचालक प्रणाम होता है, तो सारे कार्यक्रम अभी स्थगित किए हैं। छोटे रूप में उन कार्यक्रमों को करने के लिए कहा गया है, कोई बड़े कार्यक्रम उसमें नहीं करने हैं और जिस प्रकार की भी सहयोग हम सरकार का कर सकते हैं, उस प्रकार का आह्वान सरकारवाजी ने किया है। 1528 से जो अपना संघर्ष चल रहा था राम जन्म आंदोलन के लिए, राम जन्म स्थान के लिए, जो एक बड़ा लंबा एक सतत चलने वाला इतिहास का एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है, जो 1948 में एक न्यायिक संघर्ष में बदल गया और 1983 में एक जन आंदोलन का जिसने एक रूप लिया, आज राम जन्म स्थान के विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, बहुमत से जो निर्णय दिया है, उसका एक परिणति हुई है उस आंदोलन की भी, उस एक आंदोलन की भी। कहीं ना कहीं हमारा कार्यकारी मंडल का ये मानना है कि राम जन्म स्थान भविष्य में बनेगा, समाज में मर्यादाओं को स्थापित करेगा, सद्भाव को बढ़ाएगा और भारत का जो एक जागतीय लक्ष्य है कि विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, समृद्धि हो, उसकी ओर जो है संपूर्ण समाज को एकात्म भाव से ले जाते हुए उसको साकार करेगा, ऐसा एक दिशा दर्शन उस राम मंदिर से मिलेगा। और जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है, वो भी एक सराहनीय कदम है कि सरकार ने उस सारी निर्माण प्रक्रिया को अपने हाथ में ना रख करके समाज को दिया है, एक ट्रस्ट, एक न्यास बनाया है और सरकार उसमें केवल एक सहयोगी की भूमिका में रहेगी। ये भी एक अभिनंदनीय है, क्योंकि मंदिरों की सारी व्यवस्था समाज को ही करनी चाहिए, समाज को ही आगे लेके चलनी चाहिए। कार्यकारी मंडल इसके लिए भी सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता है। कार्यक्रम में वक्त लाइक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।